મોર્નિંગ મમ્મી. ગુડ મોર્નિંગ. બોલો કેટલા વાગે ઉઠી આજે? 6 વાગે. કેવી છે ઠંડી? ઓછી છે કાલ કરતા. ઓછી છે ને? હાથમાં કેવું તન બધા વો પૂછે છે હવે. સારું છે હવે, વાંધો નથી. મચવાઈ ગયો છે થોડો. ખબર વગર નો મચવાઈ ગયો છે. ખબર નથી પડી એમાં હું થયું ને હાથમાં. ઓર ગુડ મોર્નિંગ રિંકલ. ગુડ મોર્નિંગ. ક્યાં ચાલ રહ્યા છે સુબહ સુબહ? तो देखो अभी बना रही हूँ भाखरी, मेरे लिए भाखरी बन रही है. और यहाँ पे बन रहा है बटका रोटी का. भाजी हुई रोटी को फ्राई करके उसका बनाते हैं. इसमें क्या क्या डाल दिया? रोटी के टुकड़े कर दिए और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और इसमें गया राय और जीरा. जीरा तो ये बची हुई रोटी का जो बना रहे हैं ना हम, वो बहुत ही हेल्दी होता है. क्योंकि ठंडी रोटी सब खाते हैं तो बोलते हैं हेल्दी होती है. तो हम सुबह सुबह हेल्दी का ना खाते हैं. और इसको ना ऐसे एक चम्मच और एक दूसरा चम्मच लेके मिक्स कर दे, है ना रिंग? यस. ये लग रहा है हमारे बटकी. तो जी देखो अभी राजमा के लिए बन रही है ग्रेवी और साथ में चावल भर चुके हैं टिफिन में. तो जी देखो टिफिन हो गया है रेडी और राजमा चावल बनाए हैं. और राजमा की पूरी रेसिपी अभी नहीं दे पाई हूँ. अगर रेसिपी चाहिए तो मैंने पहले दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, देख लेना वो आप. जी फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि. तो सबको पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि. तो आज के दिन फास्ट करते हैं कोई लोग, मतलब सारे लोग करते हैं, तो हमने तो किसी ने नहीं किया है. और मम्मी पापा गए अभी नीचे थोड़ा चक्कर लगाने के लिए. देखो मेरा बिट्टू यहाँ पे खेल रहा है अकेला अकेला पंखे को देख के. देखो और मुझे अभी थोड़े बहुत ये छीछी वाले कपड़े धोने हैं. यान जब तक खेल रहा है तब तक थोड़ा बहुत काम खत्म कर देती हूँ. देखो मम्मी पापा आ गए हैं नीचे से. मम्मी नीचे क्या चल रहा था? शिव जी के मंदिर में सब पूजा चल रही है. हाँ शिवरात्रि है तो शाम को 7 बजे प्रोग्राम है उधर. अच्छा जाएंगे, देखते हैं क्या. 7 बजे प्रोग्राम में जाएंगे. हाँ नीचे गर्मी है, एक राउंड मारो. ओके तो देखते हैं कियान को लेके जाएंगे नीचे. देखो साथ में मम्मी पापा नीचे गए थे तो लाए हैं गन्ने का जूस और नारियल. जी फ्रेंड्स अभी बजे है दोपहर के 1:30 और हमने खाना खा लिया है. और देखो मम्मी यहाँ पे वो आलू की छिलके निकल रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं वेफर. क्यों मम्मी? कैसे दिए आलू भैया ने नीचे? 80 रुपए का 5 किलो दिया. अच्छा तो अभी वेफर बनाएंगे मम्मी. हाँ वेफर बनाएंगे. ट्राई करते हैं कि कैसे बन रही है तो फिर ज्यादा बना देंगे. तो अच्छी अगर बनेगी. मैंने पिछले साल ट्राई की थी पर मेरी रेड हो गई थी तो मम्मी ने बोला कि इस बार ट्राई करते हैं, अगर अच्छी बनती है तो वापस बना देंगे. तो देते हैं इसमें पानी गर्म होने के लिए. तो पहले पानी भर लेंगे और गर्म करने के लिए रख देते हैं. तो ये रख दिया पानी. कर देंगे गैस को ऑन. लाइटर ढूंढा जा रहा है. पानी पहले गर्म होने देते हैं. आलू आते हैं ना. हाँ इसे बड़े बड़े आलू लेने का है. अच्छा फिर उसका छिलका निकालना है. हाँ छिलका निकाल के इसके पानी में डालेंगे. इसे वॉश हो जाएंगे. फिर बाद में उस आलू को लेकर इसे चिप्स बनाएंगे. तो ये वेफर का ही मशीन आता है ना मम्मी? हाँ. इसमें पतला और मोटा दोनों आता है. ये पतला वाला है और ये लगाएंगे ना तो थोड़ा जाडा वाला होगा. इसकी जाली आती है, इससे जो कुछ भी करना होता है, छीन बनाने हैं तो ये आती है. वो गाजर को ऐसे करना है तो ये आती है. और आलू के छिलके निकालने हो तो ये आता है. इसे तो ये अलग है. अलग अलग जाली आती है और निकाल कर बदल देनी होती है. फिर ये बन गई वेफर.
और फिर इस पानी में डालेंगे और दो तीन बार इसको धुलाई करेंगे और धोकर पेपर बन गई है। फिर उसको धुलाई करके दूसरे वाले पानी में डालेंगे। तो ऐसे कितनी बार करना है मम्मी? दो तीन बार करना है। तो इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना सर, वो आलू के अंदर वो निकल जाता है। तो ये दो तीन पानी से पहले वॉश कर लेना है अच्छे से। अब इस पानी में नमक डालेंगे। नमक मम्मी इसमें कैसे रहता है? थोड़ा कम रहता है ना? कम रहता है और चक्के ही नहीं है। और वेफर चखेंगे एक बार, पहली बार में ज्यादा नमक जाता है, दूसरी बार वेफर डालोगे तो थोड़ा थोड़ा नमक डालते। और वेफर जब फ्राई होगी तब नमक ज्यादा हो जाता है। हाँ। इसीलिए नमक कम रखना, इतना ज्यादा मत रखना क्योंकि मुँह में खारा लगे। ओके, अब दो तीन पानी। देखो पापा भी आ चुके हैं हमारी हेल्प के लिए, पापा थैंक यू। चार पानी से धुल गई है। अभी इसको पानी भी उबल गया है तो इसमें डाल देंगे। पूरे पानी में गई वेफर और इसे ज्यादा नहीं बॉईल करना है, थोड़ा कच्चा रखेंगे। बाद में जब चेक करेंगे ना तो ऐसे चेक करके निकाल देना है नाखून से। ऐसे चेक कर देना है, ज्यादा बॉयल नहीं हो गई। बॉयल होगी तो सुखा नहीं पाओगे आप। हाँ, तो थोड़ा ज्यादा बॉयल होगी तो सुखा नहीं पाओगे आप, वो सब चिपक जाएगी। अच्छा, तो थोड़ा हमें देखते रहना है, ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो बॉयल करने में आप पहले ध्यान रखे वरना वेफर अच्छी नहीं बनेगी। देखो ये वेफर हो गई है रेडी, अब सुखाएंगे यहाँ पे। तो पहले तो ये रख देते हैं, पंखा चालू कर देते हैं और एक एक करके सुखानी है। अभी इस तरीके से एक एक सुखानी है। सारी सुखाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखो सारी वेफर को सुखा दिया गया है। ये देखो ऐसे एक एक करके सुखाई है। तो ऐसे ही हम छांव में सुखाएंगे पंखे के नीचे, तो ये अच्छे से सूख जाएगी। इसे धूप में नहीं सुखाना है। सूखने के बाद फ्राई करके दिखाएंगे आपको कि कैसी बनी। तो जी मम्मी क्या बना रहे हो आप आज? आज कॉलेज जाने। चलो रेसिपी दे दो आज। ये खारे सींग होती है ना, उसे छिलके निकाल के ऐसे कर देना है। अच्छा, ये रोस्टेड मूंगफली है। हाँ, रोस्टेड। हाँ। वो खारी वाली। हाँ। खारे सींग आती है ना। हाँ। वही। ओके, सॉल्टेड। सॉल्टेड। फिर इसमें जाएगा वो चने का, वो भुना हुआ चना आता है ना, वो छिलके बिना वाला, बिना छिलके वाला बाहर जो मिलता है। हाँ, वो वाला जो मिलता है ना, वो उसका पाउडर है। ओके, तो तीन चम्मच इसमें पाउडर जाएगा। ये चटनी है ना, इसमें पालक, धनिया और मिर्ची और नमक डाला है। अच्छा, वो सब मिक्स करके ग्राइंड किया हुआ है, वो तीन चम्मच जाएगी इसमें। तीखी वाली है इसीलिए थोड़ी, तीन चम्मच जाएगी। बाद में जाएगा गुड़ वाला पानी। पानी में गुड़ भिगो के रख दिया था। और इसमें मम्मी और कुछ अगर कोई डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। हाँ, तो डाल सकते हैं इसमें प्याज और टमाटर। तो प्याज टमाटर डाल सकते हो, किसी को पसंद है तो। तो इसे कर देना है अच्छे से मिक्स। क्या लग रहा है कलर? बाद में डालेंगे इसमें मध भी डाल सकते हैं। गुड़ का पानी नहीं डालना है तो इसमें मध डाल सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन में मध है। ऑप्शन में मध है। ओके।
तो कुछ मीठा डालना जरूरी है इसमें, क्योंकि मीठा और तीखा दोनों टेस्ट अच्छा लगेगा। मिक्स करना है जैसे लाड़ी वाला घुमाता है, ऐसे ही करना है। वो उसके तपेली में घुमाता है। हाँ। ये हो गई तुम्हारी कोलेजन भेल, ऊपर से धनिया डाल सकते हो। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया कोलेजन भेल कर दी है मम्मी ने रेडी। तो मम्मी कोलेजन भेल सूरत में ही मिलती है ना? और जगह मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं। तो ये सूरत का ही फेमस है ना? हाँ, सूरत का ही। तो जो लोग सूरत से, उसे पता होगा कि कोलेजन भेल क्या है।